साउथ के सुपरस्टार और स्टाइलिश स्टार माने जाने वाले अल्लू अर्जुन अब सिर्फ साउथ के ही सुपरस्टार नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सुपरस्टार बन चुके हैं, क्योंकि उनकी फिल्म पुष्पा पूरे इंडिया में रिलीज के पहले ही दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। गाइस, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पुष्पा ने इंडिया में पहले ही दिन 71 करोड़ रुपयों की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। और गाइस, आज तक किसी भी बॉलीवुड के मेगा स्टार ने भी अपनी मूवी को इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं दिलवाई है। गाइस, क्या आपने अल्लू अर्जुन की मूवी देख ली है और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। लगता है ओमिक्रॉन इंडिया में कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है। जी हाँ गाइस, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश भर में अब तक 73 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से फैल रहा COVID-19 का यह नया टाइप देश और दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इनमें ज्यादातर मरीज वो हैं जो कि अपनी वैक्सीन की 2 डोजेज ले चुके हैं। वहीं हाल ही में WHO के आए बयान में कहा गया है कि ओमिक्रॉन की वजह से डेथ रेट भी बढ़ सकता है, जिसमें उन्होंने 100 में से 7 लोगों के मरने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में ओमिक्रॉन की वजह से 30 गुना से ज्यादा केसेस बढ़े हैं। गाइस, आप इस नए वेरिएंट को लेकर कितने सावधान हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी स्टारलिंक को भारत में एक बड़ा झटका लगा है, और ये झटका तब लगा जब भारत सरकार ने लोगों को स्टारलिंक कंपनी से दूर रहने की चेतावनी तक दे दी। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, सरकार ने हाल ही में बयान जारी किया कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अभी तक कोई भी लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है। ऐसे में भारत सरकार ने लोगों को वार्निंग दी है कि वे इस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के सब्सक्रिप्शन से दूर रहें, क्योंकि ये सर्विसेज कभी भी बंद हो सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का अर्थ है किसी बीमारी के लिए उच्च स्तर के प्रतिरोधक क्षमता का होना। वही आयुर्वेद ने इम्यूनिटी को व्याधि शमत्वम कहा है। इम्यूनिटी वीक होने के कई रीजंस होते हैं, जिनमें माता पिता के जेनेटिक फैक्टर्स, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, भोजन की आदतें, गतिहीन जीवन शैली, शारीरिक व्यायाम की कमी आदि शामिल है। वही अगर हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन, जिनमें अंकुरित बीज यानी कि स्प्राउट्स शामिल होनी चाहिए। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के सीक्रेट दस्तावेजों से एक बार फिर से एलियन के अस्तित्व की बात सामने आ रही है, और कहा यह जा रहा है कि एक UFO 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में एक बार फिर से दूसरी दुनिया के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। साथ ही इन दस्तावेजों में यह भी पता लगा है कि 1940 के दशक के बाद से पिछले कुछ सालों में सैकड़ों UFO देखे गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका के पास एलियन से जुड़े सारे दस्तावेज हैं, जिसकी मदद से वे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, सच्चाई क्या है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि एलियन का अस्तित्व है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।